नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशल। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कौड़ी कसा मंडल के ग्राम मेटेपार में जिला स्तरीय अंबेडकर विचार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी, जिला प्रभारी कोमल जंघेल, विधानसभा प्रभारी लल्लन मिश्रा, संजीव शाह उपस्थित रहे। कार्यक्रम को जिला महामंत्री दिलीप वर्मा, नम्रता सिंह, सविता शोरी, संजीव शाह, कोमल जंघेल, ओपी चौधरी ने संबोधित किया। कार्यक्रम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम को जिला महामंत्री दिलीप वर्मा, नम्रता सिंह, सविता तिलक किशोरी, नोहर सिंह धनंजय, संजीव शाह, कोमल जंघेल, ओपी चौधरी ने संबोधित किया। ओपी चौधरी ने बाबा साहेब अम्बेडकर विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति बनाने का मौका जब भाजपा सरकार को मिला तो उन्होंने पिछड़े और आदिवासी वर्ग को मौका दिया। उन्होंने साथ ही साथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों का आवास, ये सभी लाभ जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। महिलाओं का हक छीना जा रहा है। आने वाले समय में ऐसी सरकार को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। तो राष्ट्रपति बनाने के लिए हमको दो बार मौका मिला। पहली बार मौका मिला तो किसे नरेंद्र मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी ने किसको बनाया? रामनाथ कोविंद जी को, जो कौन से समाज से आते हैं? एससी समाज से आते हैं। और दूसरी बार जब मौका मिला तो किसको नरेंद्र मोदी जी ने देश का राष्ट्रपति बनाया? द्रौपदी मुर्मू जी को, जो एसटी समाज से आते हैं। और हम एससी विरोधी और एसटी विरोधी का आरोप झेलते हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी वो पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी वो नेतृत्व है जिसको पहली बार राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिलता है तो एससी समाज से बनाते हैं, और दूसरी बार जब मौका मिलता है तो एससी समाज से बनाते हैं। कांग्रेस के मित्रों को मैं आज यहां से सवाल पूछना चाहता हूं, एसटी समाज, अनुसूचित जनजाति वर्ग का समाज, सीधे सच्चे सरल लोगों का समाज, इसकी बहुलता वाला एक क्षेत्र है। मैं आज इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद कांग्रेस को 5 दशकों तक, 50 सालों से अधिक समय तक राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला था, लेकिन एसटी समाज से, आदिवासी समाज से एक भी बार कांग्रेस ने देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। एसटी समाज की एक बहन को देश के राष्ट्रपति बनाने का काम भारत के संविधान के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बिठाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इस बात को आदिवासी समाज के हर वर्ग तक, हर गांव तक, हर मोहल्ले तक हमको पहुंचाने की जरूरत है। और आज चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की एक कड़ी में भीमराव अंबेडकर जी के स्मृति में एक विचार गोष्ठी के आयोजन जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करेंगे। आप सबका पता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के का भूमिका ये देश में रहे, जेकर बदौलत आज देश के अंदर एक संविधान की निर्माण हुई, जिन्हें देश का एक दिशा दिश और देश में एक कानून बना के, एक नियम बना के, ये भारत देश के विकास में एक बहुत बड़े सहयोगी बने। उकर मार्ग में चल के, उकर बताए हुए आदर्श अपन जीवन में अपना के और भारतीय जनता पार्टी में समावेश करके ये देश के अंदर, चाहे वो सरकार चलाए की बात हो, चाहे संगठन चलाए की बात हो, वो महापुरुष के मार्गदर्शन में चले के भारतीय जनता पार्टी एक निष्ठा के साथ शपथ लेके चलते। वही भारतीय जनता पार्टी आज चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।